झाबुआ कलेक्टर कार्यालय में हॉस्टल की छात्राओं ने एसडीएम और सीईओ को हॉस्टल अधीक्षिका के समर्थन में आवेदन दिया। अधिकारियों के आश्वासन के बाद भी लड़कियां नहीं मानी। छात्राओं ने कहा कि मृतिका छात्रा के परिजन से उन्हें धमकियां मिल रही है, उनकी सुरक्षा की जाए। इस पर एसडीएम ने कलेक्टर से कल मुलाकात करने और उचित कार्यवाही करने की बात कही। छात्राओं का कहना है कि अधीक्षिका को निलंबित नहीं किया जाए, अगर मैम को निलंबित किया तो सभी छात्राएं हॉस्टल छोड़ देगी। दरअसल पूरा मामला यह है कि झाबुआ के कस्तूरबा गांधी आश्रम में रहकर 12वीं की पढ़ाई कर रही छात्रा लक्ष्मी पिता शंभु सिंह ने अपने राणापुर थाना अंतर्गत गाँव सजवानी छोटी में घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला मंगलवार रात का है। लड़की के बैग से पुलिस को कलेक्टर के नाम लिखा अधीक्षिका द्वारा प्रताड़ना का लेटर मिला। मामले को लेकर हॉस्टल अधीक्षिका प्रतिभा कटारिया को निलंबित कर दिया गया। ये लिखा था लड़की ने आवेदन में बिना साइन किए मिले लेटर में लड़की ने लिखा कि उसे हॉस्टल अधीक्षिका ने हॉस्टल से निकाल दिया। बचपन में ही उनके पिता की मौत हो चुकी है, माता ने जैसे तैसे कर उसे इतना पढ़ाया है। हॉस्टल से निकाल देने के कारण उसे अब घर से आना जाना करना पड़ेगा और इसका खर्चा उनकी माँ बहन नहीं कर सकती है। उसने अधीक्षिका पर प्रताड़ना का उल्लेख किया है। झाबुआ से प्रेम सत्योगी की रिपोर्ट। क्योंकि कितनी भी बातें हमने सुनी, न्यूज देखा, सब पढ़ा, वो सब झूठा था। हम सब हॉस्टल में साथ में रहते, हमने ऐसा सुना कि उसको अलग खाना देते थे, वो कहीं गेंगे और कपड़े धुलाते थे, झाड़ पोछा, ऐसा कहीं नहीं हमारे हॉस्टल में। हमारे हॉस्टल में बहुत अच्छा है, मैम हमको सबको बहुत अच्छा रखते। और उस दिन हमको मैम साइन करा रहे थे, प्लास्टिक बॉक्स दिए, तो हम सब बैठे थे हमारे साथ में, उन्होंने एप्लीकेशन दी, फिर वो घर गए। फिर घर जाकर उन्होंने पता नहीं क्यों ऐसा किया, हॉस्टल में हमारे साथ उन्होंने खाना खाया, हम स्कूल गए साथ में, वो निकली वहाँ स्कूल, फिर घर चली गई। निलंबन वापस नहीं लिया तो क्या था? हम सब हॉस्टल छोड़ देंगे। क्या सब नाम है? बबीता डाम। ये जो मामला जो संज्ञान में आया है, उसमें ये चूँकि रमसा का टकरा हुआ था, जो जिला शिक्षा अधिकारी के नियंत्रण में आता है, और इसमें जो भी कार्रवाई जो हुई है वो वहाँ से हुई है, तो इसमें कार्रवाई उस परिचय को हटाया गया। सर क्या हो सकता है निलंबन के बारे में, क्या प्रक्रिया? इसकी जाँच होगी, इसमें जो भी दोषी होगा इसमें उस पर कार्रवाई की जाएगी। बालिकाओं का साफ तौर पर कहना है कि जब तक निलंबन वापस नहीं लिया जाता है हॉस्टल से भी छुट्टी लेना। नहीं, क्योंकि ये रमसा का छात्रावास है, इसमें स्पष्ट तो वही कर पाएंगे। बाकी हम लोगों का प्रयास है कि जो भी घटनाक्रम हुआ है उसकी एक निष्पक्ष जांच हो जाए, और उस जांच में जो चीज़ सामने आएगी, अगर वो दोषी नहीं है तो भी सामने जाएगी, और अगर दोषी तो कार्रवाई होगी। तो किसी का अनावश्यक रूप से ऐसा नहीं है कि कोई गलत कार्रवाई की जाए, ये प्रयास करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।